तो इसमें आप अपनी कैंस रखोगे मतलब। दूसरी बार आया हूँ ईमानदारी से उसको एक्सप्लोर करने के लिए। स्वाति डाइटिंग की वजह से आइसक्रीम नहीं खा रही है ना, जो होगा देख लेंगे यार। पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद अब यहाँ से वाइंड अप करके शाम को बजी है 7:15 और अब मैं जाऊँगा घर के तरफ। और जतिन भाई का आज बहुत बहुत स्वागत है। ये सब पसारा बाहर रखता हूँ मैं। और इस केक को कहाँ डाले फाइनली भाई साहब, ऐसे बैठा है केक को अंदर ना। अच्छा जो अटक रहा था निकाल दिया। तो इसमें आप अपनी कैंस रखोगे मतलब। देखो कैंस तो आपकी होगी सर, मैं तो पानी पीता हूँ। अरे भाई साहब जबरदस्त। तो इसको मैं रखता हूँ बाहर, इसको आप पैकेट पैक कर दीजिए तम्बाकू जैसे पैक करते हैं। तम्बाकू सो आज हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाहर से जो पार्सल मंगाया था ये पार्सल बचा हुआ, इसको हम लोग वापस डिस्कार्ड कर देते हैं। ऑफिस का स्टाफ निकल चुका है, अब हमारी बारी होता है। बैठे थे यार काम कर रहे थे। एक्चुअली जोधपुर जाना था, तो जोधपुर जाने से पहले जितनी भी चीज़ें कर सकते हैं वो सब करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि बाद के लिए फिर कुछ पेंडिंग ना बचे, क्योंकि बाद में पेंडिंग बचा ना भाई तो बहुत बुरा फटेगा। और वापस आएंगे हम लोग 8 तारीख को। घर का बैक गेट है जहाँ से हम आ जा सकते हैं, व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। और इसके पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत सारी ट्रीज बनी हुई है, इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस ओवर हियर। सामने मॉल भी बना है, बहुत अच्छी पार्किंग है। टिकटॉकियों के लिए और इंस्टाग्रामर्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, फोटोशूट्स होते रहते हैं यहाँ पे दिन भर, है ना। सबसे अच्छा था पहले दिन हमें यहाँ पर प्री वेडिंग शूट देखने को मिला हमारी बालकनी। यस सो यहाँ से ऊपर से हमारी बालकनी है। घर में 3 बालकनीज है, तीनों बालकनी से ये फेसिंग मिलती है। लेकिन आज मैं दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ, ईमानदारी से कहूँ तो पहली बार। पिछली बार तो जब मैं आया था सीधा आया था, हॉप डाउन इनटू दैट शॉप एंड कुछ खाया और निकल गया। और आज मैं दूसरी बार आया हूँ ईमानदारी से उसको एक्सप्लोर करने के लिए। सो लॉट्स ऑफ ईटरीज ओवर हियर एंड वेरी ग्रेट शॉप्स, ग्रेट रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स, सेम थिंग गोज ओवर देयर। फॉर अ चेंज आज सर्दी नहीं है, सच्ची बात है। साज विमान ने पहली बार अपने आप आइसक्रीम मांग के खाई है। दिस इज माई आइसक्रीम मिसिसिपी मड, यू ट्राई। स्वाति डाइटिंग की वजह से आइसक्रीम नहीं खा रही है ना। विवान इज इट नाइस, इज इट टेस्टी, यू वांट टू ट्राई दिस, इट्स वेरी नाइस। यू नो व्हेन पापा वाज स्मॉल पापा यूज टू ईट आइसक्रीम इन चॉकलेट फ्लेवर अ लॉट। आपको वो पसंद है ना हाइड एंड सीक अपन खाते हैं ना कॉफी वाला, ये वही तो है, इसी से हाइड एंड सीक बनता है, पता है। तो भी नहीं चाहिए। ठीक है तो मैं खाता हूँ। सही नहीं हुई है बट फिर भी मैंने आज रिस्क लिया आइसक्रीम खाने की। बहुत दिनों से मन में हो रही थी कि मुझे आइसक्रीम खाना है, जो होगा देख लेंगे यार। सो ऑल सेट एंड डन, आज का दिन अच्छा रहा, काफ़ी सारे काम हुए, काफ़ी सारे काम किए। और एक चीज़ तो समझ में आ गई, जस्ट बी अ वॉरियर, है ना। अपनी सिचुएशन से चीज़ों से लड़ते रहो और लड़ते रहोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। रोड क्रॉस कर रहे थे, स्वाति पीछे छूट गई। ओके आराम से आना। सो हम लोग अभी वापस घर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा ही सही बट एक अच्छा टाइम स्पेंड किया विगी के साथ, फैमिली के साथ। से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।